हाँ जी भैया, जय माता की, जय जय माता मंगल की की। जी भैया, हो जी। गया यार, मैंने कहा फ्री हो गए होंगे आप। चलिए फ्री क्या क्या बताऊं, आप कोई दिक्कत बताइए नहीं। बताइए। नहीं, तो सोचे आप डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब इतने जी फोन आ रहे हैं कि हमारी खुद समझ में नहीं आ रहा फ्री कैसे होंगे। जी जी क्या हुआ था सर, हाँ मार्च के 2022 मार्च में, जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ आपको। हाँ हाँ हमारे एक रिश्तेदार हैं नरसिंहपुर जिला ग्राम दिघारी से, जो हाँ पंडुकर धाम गए थे। अच्छा। उन्होंने बोला गुरुजी ने कि आपको 21 दिन रुकना पड़ेगा। वो 21 दिन रुके, 10 दिन में उनका नंबर आया, 1 महीने खराब हो गए उनके। अच्छा उनने एक पर्ची पे लिखा था कि जीव में कैंसर है, 2023 तक ठीक हो जाएंगे, और वो खत्म हो गए आने से पहले। अच्छा वो खत्म हो गए। वो खत्म हो गए, अच्छा खत्म हो गए। उनकी लिखित पर्ची रखी है, सब रखे हैं, बिल रखे हैं, बहुत पैसा लगा, वो भी रसीद है, सब रखे हैं। जो आप गए हैं तो कब की घटना है, ये मार्च की घटना है साहब, ये 2022? 2022 आखिरी मार्च में गए थे। अच्छा आखिरी मार्च में आप गए थे। जी जी कौन कौन गया था वो मौसा जी गए थे और हम गए थे, आपका और शुभ हमारे नाम, गांव के गए थे। आपका शुभ नाम प्रमोद हमारा नाम, शुभ नाम प्रमोद सिंह। सिंह। आप कहाँ से हैं? हम साहब सागर से हैं। अच्छा प्रॉपर सागर से। प्रमोद जी भाई आप क्या करते हैं, कुछ काम वाम करते हैं? हाँ सर, मैं गांव में थोड़ा सा प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा। जी तो और आपके मौसा जी का नाम? अच्छा भगवत सिंह पटेल, ये कहाँ से हैं? हाँ ये सर नरसिंहपुर जिला तहसील गोटेगांव अच्छा ग्राम देघारी। अच्छा जी और ये मतलब आप वहाँ काहे के लिए गए थे, पंडोखर धाम की वहाँ बात सर है? उनको जीभ में कैंसर की शिकायत थी। किन्हें, आपके मौसा जी को? अच्छा जी भगवत सिंह को। तो ये पंडोखर धाम के विषय में पता कहाँ से चला आपको? अच्छा सर वो यूट्यूब से जानकारी मिली थी। जी तो उन्हें, और गांव वाले भी गए थे तो उन्हें भी दिक्कत थी क्या? हाँ सर, वो यहाँ से भी हमारे गांव से कुछ लोग गए थे, अच्छा। 6 लोग और गए थे हमारे गांव से। हाँ अच्छा, तो आप लोग पूरा ग्रुप था? सर, 9 लोगों का पूरा ग्रुप था। ठीक है, तो अब आगे का कैसा क्या हुआ आप मुझे पूरा आगे डिटेल्स बताइए। हाँ जी आगे का ऐसा हुआ सर हाँ कि वहां जब गए तो 10 दिन बाद आया नंबर, नहीं पहले तो आप गए होंगे तो रसीद कटाई होगी, नहीं रसीद कटा ली थी, 10 दिन बाद आया था नंबर। तो कितने की रसीद कटाई? सर 21,000 रुपये की रसीद, सॉरी सर 2100 की रसीद कटाई थी, अच्छा एक व्यक्ति की? एक व्यक्ति की। सभी लोगों ने कटाई थी 2100 रुपये की, सभी लोगों ने? अच्छा सभी लोगों ने। जी सर, ठीक। फिर उसके बाद 10 दिन वहां रुके, फिर उसके बाद नंबर आया, 10 दिन? अच्छा 10 दिन तक नंबर ही नहीं आया, नहीं आया, 12वें दिन नंबर आया था। 12वें दिन? जी सर, ठीक है। फिर उसके बाद जब नंबर आया तो उनने देखा, तो उनने लिख दिया था पर्चे में कि इनको जीभ में कैंसर है। वो तो सबको पता था कि जीभ में कैंसर है, हाँ और इन उन्होंने लिखा था कि 20 जून 2023 तक ये बिल्कुल अपने आप ठीक हो जाएंगे। ठीक। फिर उसके बाद सर वो 8वें महीना में खत्म ही हो गए, आठवें आठ महीना तीन में, जी सर 8-3 में खत्म हो गए मतलब उनके उनके यहाँ जाने के कई महीने बाद? सर, 3 महीने बाद खत्म हो गए, 2 पेशी कर पाई थी। अच्छा, और उन्होंने आगे की डेट उन्होंने दी सर थी? सर उन्होंने 21 दिन रुकने के लिए बोला था, अच्छा तो 21 दिन वहां रुके और 10 दिन पहले रुके, 12 दिन, तो हो गए 33 दिन, हाँ 1 महीना 3 दिन तो ऐसे ही चले गए। हाँ और फिर वहां से आए तो 2 महीने बाद खत्म हो गए। तो जो आप 2 बार गए तो उसमें भी कुछ पैसा देना पड़ता था क्या? अच्छा हाँ सर, उसमें वहाँ 1100 रुपये मांगते हैं हम औसत को, उसकी रसीद देते और होंगे। हाँ रसीद देते हैं, और धागा बंधवाई अलग लगता है, वो अपने पैसे में से डाल लेते हैं, हाँ और धागा के लिए चढ़ाओ मतलब वो बांधते हैं हाथ में, और लेटरिंग के भी पैसे लगते, खाना के भी पैसे लगते हैं, लेटरिंग की कैसा? लेटरिंग जाने के भी पैसे लगते हैं, वहाँ 4-5 लेटरिंग बनी है, अच्छा अच्छा और 10 रुपये उसके लेते हैं। 10 रुपए उसके लेते हैं। हाँ नहाने जाओ तो 10, लेटरिंग जाओ तो 10, अच्छा नहाने हैं तो उसके भी 10? उसके भी 10, अरे और ये खाने के पैसे भी लगते हैं सर वहाँ,
वो एक लड़का बैठा रहता है वहीं, मतलब जहाँ वो रूम है उनका, ऊपर देखते हैं उसके नीचे लंबा सा मतलब फर्श बना है, वहीं खाना चलता है नीचे हॉल टाइप में, भंडारा। भंडारा। तो भंडारा में बोलते हैं कि भाई जितनी जितनी श्रद्धा है दान जरूर करना, बिगर दान करे, अगर आप खाओगे आश्रम का तो ये वो इस टाइप से। तो जिसकी जितनी है 2,000 5,000 1,100 500, तो वहाँ भी मतलब जमा होते हैं पैसे खाना के। और अच्छा। फिर उन्हीं की है अंदर होटल, तो तो आप वो आप लोगों ने कुछ दिए थे क्या? हाँ वहाँ हेलो, कितने हाँ सर 500 500 रुपये दिए थे, उन देना पड़े थे। लोग? तो अच्छा, देना पड़े थे, मतलब देना जरूरी है। हाँ सर देना जरूरी है, क्योंकि वो बोलते हैं ऐसा बार बार कि अगर धर्म का खाओगे ऐसा वैसा तो वो लाभ मिलेगा जो, तो फिर वो हाँ देना पड़ते हैं। तो आप जितने लोग थे सब लोगों ने 500 500 दिए? हाँ सब लोगों ने 500 500 रुपये दिए थे अच्छा, और जी। रुकने के लिए क्या है? रुकने के लिए सर मैदान है, कुछ नहीं है, और उन्हीं के कमरे वगैरह हैं। किराए से तो 1200 1500 रुपये लगते हैं, 200 रुपये लगते हैं हाल के और 100 रुपये लगते हैं गद्दे के, तो अच्छा, हाल में अगर रुकना है तो 200, और अगर गद्दे में रुकना है तो 100 रुपये नहीं गद्दे अलग से मतलब पैसे लगेगा आपको गद्दे के लिए, और हाल का किराया अलग से लगेगा। और फिर इससे अच्छा तो रहता है कि बाहर रुक लो, रोड पे फुटपाथ पे सो जाओ। और वो उनके जो मीडिया प्रभारी हैं उन्हीं का है ढाबा, हाँ और फिर अंदर जो उनकी कैंटीन है गुरुजी की, समोसा वगैरह कचौड़ी वगैरह, 10 रुपये का एक समोसा, 15 रुपये का, 10 रुपये की चाय, ऐसा सब कुछ वो समोसा वहाँ 15 रुपए का, कितने का समोसा? अच्छा, 15 रुपये का और जी, चाय कितने की? 10 रुपये की। और ये आप जो बता रहे हैं हाल का, कोई मुझे बता रहा था कि वहाँ 100 रुपए शायद गद्दे का लेते हैं आप, लेके चाहे कहीं भी सो जाइए। नहीं सौ नहीं सर 100 रुपये रात भर के लगते हैं गद्दे के एक व्यक्ति के, अच्छा, और 200 रुपये अपन लगते हैं हाल को एक व्यक्ति को वहाँ मतलब रुकने के। तो वो क्या है 500 रुपये जमा कराते हैं, आप 2 दिन रुकोगे तो आपका चार्ज खत्म हो जाएगा, अगर आप 1 दिन रुकोगे तो आपके पैसे वापस देते हैं काट तो के। 200 रुपए में तो गद्दा भी तो देते होंगे। सर वो सब मिला के 200 रुपये लेते हैं वो। अच्छा, गद्दा और हाल दोनों को मिला के? अच्छा हाँ हाँ रात भर के खाली सोने के। ठीक। और इसके जी बाद सर फिर सुबह और क्या रूटीन रहता है, और कहाँ कहाँ पैसे लिए? वहाँ उसके बाद सुबह उठो अपन, तो वहाँ पुष्पावती नदी बनाए हैं, वो बांध है पुष्पा बांध, तो वहाँ नहाने जाओ तो वहाँ एक रोज पूजा करवाते हैं वो, उनकी याद में बैठे हैं घाट पे, तो नारियल प्रसाद 100 रुपये का वहाँ लगवा दिया। हाँ फिर वहां से अपन आए हैं तो जल भेंट करना पड़ता है, यहाँ मंदिर है उनका घर के पास, गुरुशरण के घर के पास, तो वहां भी जल चढ़ा और फिर प्रसाद ले, आरती करवा और पैसे चढ़ाओ 100 रुपये ठीक अच्छा, वहां भी 100 रुपए है। 100 न चढ़ाए हाँ तो? सौ अच्छा, पचास 50 से कम नहीं होना चाहिए, लोग तो 500 500 चढ़ाते हैं। हाँ उसके बाद फिर अपन आ जाओ तो आश्रम में आओ तो फिर भोजन करो, और फिर जिस भी मंदिर में जाओगे या यज्ञशाला में जाओगे प्रसाद लेने भगवती लेने, तो 10 20 10 20 हर जगह चढ़ाना पड़ेंगे आपको। अच्छा, नहीं जैसे नहीं चढ़ा हाँ रहा तो? वो गुरु जी उनके जो चेला लगे हैं वो गुस्सा होते हैं, बल्कि हमसे तो खिड़की पे ये बोल दिया था, मैंने कहा सर हम लोग 100 रुपये की भी, गुरु जी बोलते कि हम आज सो जाती है 1 रुपये की भी हो जाती है, बोले नहीं अब 1100 रुपये की करोगे तो आराम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा, आराम तो भी नहीं थोड़ा सा मिलेगा। मेरी बहस भी हो गई थी उनसे, मैंने कहा भैया क्या घर बेच के ले आए, कहाँ से ले आए, व्यवस्था परेशान है जब तो आपके यहाँ आए हैं, बोले नहीं वो तो 1100 रुपये की टैक्सी कटवाना पड़ेगी आपको। अच्छा, तो आप इस तरह से वहां पे रहे हैं? जी सर हम लोगों के सबके मिला के 4 5 लाख रुपए खर्च होगा सर। अरे बाप रे, तो ये तो और आपने एक का बताया, मौसा जी का, जो खत्म भी हो गए, जी उनका काम नहीं हुआ, बकाया आपका? हमारा भी नहीं हुआ सर, हमारे पर्चे भी हम अभी आपको सेंड कर रहे हैं, पहले तो हमने उनके कर दिए, और गांव वालों के भी करवा देंगे अगर आपको ये क्या है बिल्कुल बंद बिल्कुल, होना जितने चाहिए। लोग वहां से ठगे गए हैं सबकी जी डिटेल्स और उनसे बात कराइए, उनकी पर्ची भिजवाइए, इन जी सबकी वीडियो बना के डालें, जो आज भी तो वहां पर हजारों लोग लूट रहे हैं। और सर एक बात और है, वहाँ क्या होता है सर गरीब अमीर में बहुत भेदभाव चलता है, अच्छा, एक सबसे बड़ी विटंबना ये है सर हाँ कि एक दिन में 1000 लोगों की रामायण होती हाँ अच्छा, 3300 रुपये प्रति व्यक्ति से लिया जाता है, दस बहुत लंबा है।
और 21,000-22,000 का हवन, 4-5 हजार रुपये चढ़ोतरी, 30,000 रुपये का हवन पड़ता है। एक दिन में 20 व्यक्ति हवन करते हैं, मतलब 10 लाख रुपये का टारगेट है दिन भर में आने का। अच्छा जी, मतलब वो उसी में तुम्हारा हवन, उसी में उनकी रामायण, उसी में सब एक ही में, तुम तो पैसा जमा करो जाओ, तुम्हारी हो जाए रामायण। अच्छा ये हाल है। अब और कुछ बोला लोग ठीक, बताते हैं कि इतने, खैर कुल मिला के वहां ठगाई तो ठीक से हो रही है। सर करोड़ रुपए दिन की आय है, वहां अच्छा जाके देखो, सर्वे करके देखो। हम कोई उनके विरोधी नहीं है हाँ और ना हम आपके संगठन के हैं। जी हम तो कसम है अपने भगवान की, हमें अपने सब गुरुजनों की, हम हाँ अभी आपके पक्ष में आकर बोल रहे हैं। हम तो नीत न्याय बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं कि वहाँ धन देखिए, दस रहा है। आप पक्ष के विपक्ष के नहीं, जब आपके साथ घटना हुई है वो आप प्रमाण सहित बता रहे हैं ना, तो जी सर, हाँ फिर प्रमाण उससे सहित ज्यादा बता तो रहे बात हैं। खत्म हो गई। हम कह रहे हैं हाँ, आप किसी के संगठन के दबाव हैं में नहीं बता रहे, या किसी के नहीं है, दबाव में नहीं बता रहे। वो महत्वपूर्ण नहीं है। जी महत्वपूर्ण ये है कि हम वहां गए और हमारे साथ एक छल हुआ और हमारी रसीदें ये हैं, तो हाँ सर, यही रसीदें इतनी हुआ बड़ी प्रमाण है कि उसमें आपके ऊपर कोई जी। प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। नहीं, और सर वो कहते हैं ना लाइफ में कि ये बना बना के, तो हम कसम खा के कहते हैं हाँ कि हाँ हम बन के नहीं बोल रहे, ना किसी के दबाव में ना आपके दबाव में, हम तो नीत और सत्य बोल रहे हैं। भाई, जब आपके साथ घटना हुई है तो उसके बाद जी भी अब कुछ बचता है क्या कुछ कहने को? नहीं, मैंने इसलिए बोल दिया अब ऐसा है कि वो कि अभी जी आपके जीजा जी वाली हम वीडियो बना ले रहे हैं, और जी इसके बाद आप अपना जो आपके साथ जो परिस्थिति बनी है तो जी उसको भी आप पूरा डिटेल्स अगर मुझे बता दें, उसकी भी रसीदें भेज दें, तो हम उसकी भी वीडियो इकट्ठा ही डाले दे रहे हैं। मैं भी अपने फोन से उन लोगों के घर जाके बना के बिद रसीद के वीडियो बना के आपको डाल दे रहा हूँ, ठीक है ठीक इतना भी कर दे रहा हूँ। है ठीक लेकिन मेरा इतना आग्रह है कि हम लोग तो लुट गए, ठीक है सर, हमारी किस्मत में था लुटना, नहीं हुआ काम। भगवान करे आगे कोई गरीब जनता ना लुटे। आपकी ये सोच है, इसी जी सोच को लेके हम भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हमें ये हमें नहीं भी कि बड़ी हमारा पीड़ा कुछ मिल होती है, जाए। सर में दर्द होता है, कितने लोग जी लुट रहे हैं। नहीं तो आप बताइए उनसे, हमें विरोध लेने क्या जरूरत है? नहीं पर सर, किसी की क्योंकि नहीं। और देखिए, जब गलत हो रहा है तो हमारे गुरुदेव जी का यह कहना है कि बेटा कहीं भी गलत हो रहा है तो जी अगर तुम लोग नहीं खड़े होगे तो फिर तो कोई नहीं खड़ा होगा। इसलिए सर मैंने अपना धर्म समझ के, धर्म की सहायता करने के लिए ये आवाज उठाने की, छोटे मोटे आदमी है, दृष्टिकोण बिल्कुल बिल्कुल लगाने बिल्कुल। की। और जो भी लुट रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं, जी उन्हें जानकारी नहीं इसलिए लुट रहे हैं ना, तो हमारी सर, वहाँ आवश्यकता है कि हम उन्हें सब कुछ जानकारी दें, जी सर, जिससे कम से कम। आज वहाँ मेरे पास इतना बहुत फोन आए हैं और बताया कि आपकी वीडियो देखी, हम वहां जा रहे थे तो रुक गए। नहीं सर, अभी हम अपनी बात से मुकरे और अभी हम झूठ बोल रहे हों तो हमारा नंबर ले लेना और हमारे ऊपर उनसे बोलना, पंडु खर्से के खिलाफ करें, हमारे पास प्रूफ है। प्रूफ के साथ साथ जिस दिन वो सभा लगाए, अगर अपनी कोई छोटे मोटे लोगों की वहां बुलाने की बात आएगी तो हम लोग जरूर पहुंचेंगे, कहेंगे देखो बिल्कुल गुरु जी बिल्कुल, आपने आज नहीं कहा था। कल भविष्य में हम कोशिश यही करेंगे कि सब जी लोगों की जब इतनी वीडियो पड़ेंगे तो हम शासन से भी मांग करेंगे कि जी जब ये सैकड़ों हजारों लोग लुट रहे हैं तब भी जी आप संज्ञान में नहीं लेंगे तो कैसे बनेगा? सर बताइए, किस देवी देवता ने कभी कहा है कि मुझे पूजा चढ़ाओ कि पैसा दो? तो भगवान कहता है भाव नागे भूखे हैं। बिल्कुल, ऐसा करते हैं कि अभी इसको जी यही विराम देते हैं, जी और इसके बाद ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ, थोड़ी देर में आपसे फिर से एक बार बात कर लेंगे। आप मुझे आगे 1 घंटे बाद फोन लगा दीजिएगा तो जी मैं और आपका। जब जी तक गांव वालों की बना के डालता हूँ हाँ आपके हाँ पास। हाँ और उसमें क्या करेंगे कि आपकी डिटेल्स हम ले लेंगे। ठीक बिल्कुल, मैं अपनी फोटो, अपने सारी रसीदें वो डाल दे रहा हूँ आप। है, ठीक है सर, जी ओके, जय जय माता माता। दी।